प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शनिवार को गोरखपुर के सेक्टर में एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का भूमि पूजन और शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित किया। बता दें कि एनसीसी ग्रुप मुख्यालय गोरखपुर की ट्रेनिंग एकेडमी का निर्माण 10 एकड़ क्षेत्रफल में 55 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन में अनुशासन के बिना कुछ नहीं हो सकता। यह अनुशासन आत्मानुशासन से जीवन पैदा होता है और यह जीवन भर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, मंजिल तक पहुंचने का मार्गदर्शन करता है। इस दृष्टिकोण से युवाओं को अनुशासन का व्यवहारिक ज्ञान देने में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1948 में संसद के एक अधिनियम से गठित एनसीसी युवाओं को एकता और अनुशासन के लिए प्रेरित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। एनसीसी को आज युवाओं के जीवन का हिस्सा बनाना पीएम मोदी का विजन है। पीएम के इस विजन को मिशन मोड पर आगे बढ़ाने के लिए गोरखपुर में एनसीसी ट्रेनिंग अकेडमी की स्थापना की जा रही है। यह एकेडमी एकता और अनुशासन की वह पाठशाला बनेगी, जहां से सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकात्मता और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था की तरफ से प्रयास किया जाता है तो सरकार दो कदम आगे बढ़कर सहयोग करती है। एनसीसी ट्रेनिंग अकेडमी के लिए गोरखपुर मुख्यालय ने ऐसा ही प्रयास किया है। देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के चलते उत्तर प्रदेश के लिए इस अकेडमी का अपना महत्व होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी ग्रुप मुख्यालय गोरखपुर में आने वाले 11 जिलों में से 4 जिले सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच आकांक्षी जनपद है। एनसीसी अकेडमी में प्रशिक्षित युवा इन जिलों को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेहवातुर सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, अपर महानिदेशक एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश मेजर जनरल विजय विक्रम कुमार जी, ग्रुप कमांडर गोरखपुर ग्रुप ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस समारोह में एनसीसी से जुड़े हुए हमारे पूर्व और वर्तमान सभी अधिकारीगण, एनसीसी गोरखपुर ग्रुप के हमारे सभी एनसीसी कैडेट्स और इस अवसर पर इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में राष्ट्रीय कैडेट कोर का यह एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी के शिलान्यास का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर इस गोरखपुर ग्रुप में जो 11 जनपद आते हैं वहां के सभी युवा साथियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासन और एकता हमारे युवाओं में आए, इसके लिए आजादी के तत्काल बाद 1948 में देश की संसद में के एक एक्ट के अंतर्गत एनसीसी एकेडमिक एनसीसी निदेशालय का गठन किया गया और यह देश भर के युवाओं को
अनुशासन के लिए और एकता के लिए प्रेरित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन होने के साथ ही हमारे युवाओं के लिए इस फील्ड में आकर्षण का और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बना हुआ है।